सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, सुबह हमने टॉपिक किया था लेवल ऑफ टीचिंग एंड ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में हमने बात की थी, तो उसी का आज हम मॉक टेस्ट लेके आए हैं। ये मॉक टेस्ट थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर इंग्लिश का यूज़ किया गया है, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप पहले कोशिश कीजिए अपनी तरफ से इस मॉक टेस्ट को देने की। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये लेवल ऑफ़ टीचिंग के तीन लेवल दिए हैं और यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग करने हैं। तो इनमें देखिए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही हो सकता है, और आप चाहे तो वीडियो को रोक सकते हैं, रोक के बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। और अगर आपको ये इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी हिंदी में भी बताने वाला हूँ कि इन सभी ऑप्शन का क्या क्या मतलब है। तो पहले देखिए आप इसका आंसर क्या हो सकता है और सोचिए कि मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग लेवल क्या होता है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हम, नहीं तो वीडियो लंबी बन जाएगी। अब देखिए इसका आंसर, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा मेमोरी लेवल आता है, मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल के अंदर हमने देखा था दोस्तों क्या होता है कि हम सोचने समझने की बात करते हैं, कोई बच्चा है वो उसे समझने की कोशिश करता है, याद रखने की कोशिश करता है, यानी कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो इनमें से कौन सा जो एक्यूरेट है वो है, इसमें दिया है दोस्तों ए का थ्री दिया है। तो थ्री है वो किस तरीके से है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ए का इन्होंने थ्री दिया है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि रिकॉलिंग एंड रिकॉग्नाइज फैक्ट, यानी कि वही बात होगी, यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी तथ्य है, उसको दोहराना और उसको समझ, यानी कि याद करना, रिकॉग्नाइज और रिकॉलिंग, दोहराना किसी भी तथ्य, कोई भी बात है उसको दोहराना और अपना याद करना, ठीक है। तो इसका आ गया, ये आ गया। और आगे बात करते हैं दोस्तों हम ऑप्शन नंबर बी के, बी क्या इन्होंने दिया है फोर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या था, हम किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें देखिए अनहांस स्कोप ऑफ सीइंग रिलेशनशिप एंड मीनिंग। अब देखिए इसके अंदर अनहांस, सबसे पहली बात आती है कि अनहांस क्या होता है, अनहांस होता है वृद्धि करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, उसके अंदर इंक्रीजमेंट करना, यानी कि इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं जिससे हमारी जो नॉलेज है उसके अंदर इंक्रीजमेंट होता है, अनहांसमेंट होता है, और हर चीज़ के मीनिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। और आगे आता दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सी का इन्होंने दिया एक रिफ्लेक्टिंग लेवल। अब देखिए रिफ्लेक्टिंग लेवल के अंदर क्या होता था, हम किसी जो भी चीज़ हमने सीखे उसको अप्लाई करने की कोशिश करते थे। तो इसमें क्या आएगा, इन्होंने दिया है एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड कोगनेटिव इंटरचेंज। अब देखिए क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या होती है कि जो आलोचनात्मक जो बातें होती है जिनके अंदर हमारा विरोधाभास होता है, हम कहते कि नहीं ये बात ऐसे नहीं हो सकती, ये तो वैसे होगी, ये ऐसे नहीं है, ये वैसे नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको परखने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो किससे परखने की कोशिश करते हैं, जो हमने ज्ञान आज तक हासिल किया है उस ज्ञान को हम उस बात पे लागू करके देखते हैं कि क्या ये बात हमारे ज्ञान के अनुसार सही है या गलत है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड कोग्नेटिव इंटरचेंज, यानी कि हम जो आलोचनात्मक चीज़ें हैं उनको अपने ज्ञान के अनुसार उनको देखने की कोशिश करते हैं, अपने ज्ञान को उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन का ये तीन आंसर होगा दोस्तों। तो अगर आपको फिर भी कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर कुछ बात समझ में ना आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट फील्ड ऑफ स्टडी टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस। अब देखिए कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए और एनालिसिस यानी कि उसको समझने के लिए इनमें से कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है स्टडी का, वो हमें चूज़ करना है इसके अंदर। इसके अंदर देखिए क्या हम हिस्ट्री से कर सकते हैं, क्या साइंस से, लैंग्वेज से या इकोनॉमिक्स से,
कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमने कॉग्निटिव डोमेन की बात की थी, अलग अलग तरह की डोमेन की बात की थी, तो डायरेक्ट उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इस तरीके से घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सोचिए दोस्तों, इसमें से क्या आंसर हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप कोशिश कीजिए इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है ये। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल आपने सही सोचा है, काफ़ी दोस्तों ने इसका आंसर आएगा साइंस। अब देखिए, साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ऐसे नहीं है कि किसी ने कोई बात कह दी। अब जैसे देखिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में तो जिसने जो बात कह दी वो हम उस पर विश्वास करते हैं, हाँ भाई ऐसा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन साइंस के अंदर क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और उसको एनालिसिस करके देखते हैं, एनालाइज करते हैं हर तरह की चीज़ों को, ठीक है। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर आएगा दोस्तों, वो आएगा साइंस आंसर आएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन जो आज हमने इंक्लूड किए, ये रिपीट हो चुके हैं, ये 2018 दिसंबर में भी आए हैं और 2019 में भी आए हैं, जुलाई का जो जून का जो पेपर हुआ था। तो ये सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए हमारा, सपोज एज ए टीचर यू आर ट्रेनिंग यूअर स्टूडेंट इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच अमंग द फ्लोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट। इसके कहने का मतलब है कि आप किसी स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग कर रहे हैं पब्लिक के अंदर बोलने की, और यानी कि जो डिबेट करने की आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बच्चे के अंदर नहीं लाया जा सकता, वो हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप इसमें से बताइए, जैसे कि उनके इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर सकते हम, या फिर उसके कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन यानी कि उसको हम कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते, या फिर सिलेक्टिंग ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज या अच्छी लैंग्वेज का चुनाव नहीं करवा सकते, या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन यानी कि बोलने के हाव भाव पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनमें कौन सी चीज़ है जो हम उसमें डेवलप नहीं कर सकते, वो चीज़ आप बताइए, इनमें से क्या हो सकती है। तो ये दोस्तों एक देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करती है कि इसका आंसर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और यहीं से जो एग्जामिनर है वो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा दो, हम जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, एक है कंट्रोल आवर इमोशन। अब देखिए दोस्तों, ये इसका आंसर कैसे सही है, हम बच्चे को बोलने का तरीका सिखा सकते हैं, भाई तेरे को तेज़ बोलना है, कम बोलना है, ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है, वो सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं उसको, भाई आपको इंग्लिश बोलनी है, हिंदी बोलनी है, और वो सारी लैंग्वेज सिखा सकते हैं। लेकिन जो हमारा कंट्रोल इमोशन है, इमोशन पे कंट्रोल करना, हम उसको नहीं सिखा सकते। हो सकता है कि वो भाषण देता देता बिल्कुल गुस्सा हो जाए, या फिर रोने लगे, या ऐसी कोई बात याद आ जाए उस पर वो रोने लगे, ठीक है। और हम उसे ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते भाई तेरे को रोना है, क्योंकि रोना एक इमोशन, एक ऐसी चीज होती है दोस्तों, अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो वो नहीं आएगी, अगर हम जबरदस्ती रोना चाहेंगे तो नहीं रो सकते दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है कि जो इमोशन है, इमोशन उसके अंदर हम डेवलप नहीं कर सकते। इमोशन हर इंसान के अंदर अपने आप होते हैं, किसी में कम होते हैं तो किसी में ज्यादा होते हैं। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। आगे देखते दोस्तों, हमारे पास आगे फिर दोस्तों ये हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। इनमें दोबारा हमें मैच करना और बताना है कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए सही है। अब देखिए, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एनालिसिस लेवल, क्रिएटिव लेवल, ठीक है। तो इनमें बताना है, आप देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है और किस तरह से हो सकता है, ये भी आप समझने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो वीडियो को रोक सकते हैं, और जो हमारे हिंदी स्टूडेंट हैं उनको मैं अभी बताने वाला हूँ, बिल्कुल हिंदी में समझाने वाला हूँ आपको। और दोस्तों इनका जो हिंदी वर्जन है वो हमें नहीं मिला, इसलिए हम इंक्लूड नहीं कर सके इनमें, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। ये देखिए, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यानी कि फोर। फोर हम देखते हैं, फोर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, सबसे पहला ए, ए का इन्होंने दिया है थ्री। ए हम देखते हैं मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल पे इन्होंने दिया है थ्री, रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। रिकॉलिंग यानी कि दोबारा से दोहराना,
ठीक है, अब वही बात आ गई, यानी कि कोई भी चीज़ है उसको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। इसके अंदर मेमोरी लेवल के अंदर क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं, जो बातें होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम दोहराते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखना है, इस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आगे है दोस्तों बी, बी का इन्होंने दिया ए, ए हम देखते हैं किस तरीके से होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब देखिए इसके अंडरस्टैंडिंग, वही बात है कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना किसी चीज़ को। अब देखिए इसमें क्या है, ए में आइडेंटिफाई एग्जाम्पल ऑफ गिवन कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई यानी कि उसको समझना, तो वही बात आ गई, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है ए। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, सी के अंदर दिया इन्होंने फोर। अब देखिए फोर क्या है, एनालिसिस, एनालाइज करना, एनालाइज लेवल। इसके अंदर क्या करते हैं कि फोर दिया है, फोर हम देखते हैं क्या ये सही है, आइसोलेटेड इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, आइसोलेटेड मतलब अलग अलग बांटना चीज़ों को, ठीक है, यानी कि कोई भी तथ्य कोई भी बात है उसको हम टुकड़े टुकड़े करके समझने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनालिसिस लेवल कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास डी, डी का दिया इन्होंने ऑप्शन नंबर टू, ये देखिए क्रिएटिव लेवल, क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक जो लेवल होता है उसे कहते हैं। इसके अंदर ये जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, अब देखिए नया नए विचार लेके आना, नई नई चीज़ें खोजना, तो वो किसके अंदर आती है, हमारी क्रिएटिव लेवल के अंदर आती है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है हमें, और हम बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, अगला देखते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव। ओहो इसमें ये देखिए दोस्तों, ये फॉन्ट चेंज हो गया हमने जब पीडीएफ बनाई, तो ये चीज़ हमें बहुत परेशान करती है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, आगे हम और सुधारने की कोशिश करेंगे। चलो अभी हम कंटेंट पे ध्यान देते हैं। अब देखिए शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमें इसमें ये बताना है जो टीचर है, टीचर की ऐसी क्या जो क्षेत्र है जो उसके टीचिंग पे प्रभाव डालता है, जो जब वो सिखाता है, ठीक है, तो इसमें है भावात्मक क्षेत्र, ज्ञानात्मक क्षेत्र, सहजात्मक क्षेत्र, मन चालक क्षेत्र, ये वो डोमेन, ये देखिए अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, कॉनेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, तो इस साइकोमोटर डोमेन, तो इसमें देखिए दोस्तों कौन सा आंसर हो सकता है, यानी कि एटीट्यूड ऑफ टीचर दैट इफेक्ट टीचिंग पेरिटेंट टू, अब इसमें बताइए क्या आएगा, ये बिल्कुल आसान है दोस्तों अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। अब देखिए इन्होंने किसकी बात की हुई है, यहाँ पे एटीट्यूड की बात की हुई है, ये देखिए एटीट्यूड ऑफ टीचर दैट इफेक्ट टीचिंग पेरेंट्स पेरेटेन टू, अब देखिए टीचर का जो व्यवहार है, टीचर कोई कोई टीचर हो सकता है गुस्से वाला हो, कोई हो सकता है बिल्कुल प्यार करने वाला हो, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ना टीचिंग के ऊपर, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे भावात्मक क्षेत्र, यानी कि इमोशनल फीलिंग वाला क्षेत्र कहेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको किसी भी तरह की कोई बात समझ में ना आई है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।